क्योंकि इनको दूसरों का जो अच्छाईपन है वो मोदी को दिखता नहीं, सिर्फ उनको दो बड़े लोग दिखते हैं और सामने एक शाह साहब दिखते हैं और कैबिनेट में दूसरा कोई बोल भी नहीं सकता। जो कुछ बोलेगा मोदी ही बोलेंगे, जो कुछ करेंगे शाही करेंगे, क्योंकि सब पावर अपने पास लिए हो, पूरे हथियार उनके पास। और दूसरों को बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमने कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया? राजीव गांधी ने इस संविधान को बदल के उन्होंने संविधान में संशोधन करके महिलाओं को पंचायत में, जिला पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में, दलितों को, ये सबको जो हक दिया और अधिकार का जो विकेंद्रीकरण किया वो कांग्रेस ने किया। तुम सब स्टेट के पावर छीन ले रहे हो, जो कुछ भी काम है वो छीन लेना, सब कुछ मेरे। इनका बफे सिस्टम टाइप है, जो मिला वो पहले खा लेना, बाद में कुछ क्यों नहीं होता। तो भाइयों, आप सबको मैं यही कहूंगा कि इनसे बचना है, ऐसे सरकार को यहां पर नहीं लाना जो सिर्फ सीबीआई से, ईडी से हुकूमत करती है और सताती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि झारखंड के लोग कभी डरेंगे नहीं और डरने वाले भी नहीं है। यहां के लोग मजबूत है, दलित है, आदिवासी से, अरे मेहनत का श्लोक है, वो क्या डरेंगे? तुम्हारे हाथ कभी मैले नहीं हुए, कभी आपने ये आपने कभी नांगर मारा, कभी कुंटी पकड़ी, कभी खुरपी पकड़ी, कभी फौड़ा पकड़ा हाथ में, नहीं। लेकिन बात बहुत करते हैं, ऐसे लोगों को आप लोग दूर रखना चाहिए। मैं सुना कल मोदी जी झारखंड में घूम रहे थे और झारखंड के धरती पर उन्होंने जो भाषण दिए, जो वायदे किए, वो सब झूठे वायदे, जुमले। मैं नहीं बोलता, उनके जो होम मिनिस्टर है, जब उनको पूछा गया कि भाई आप इस देश के नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किए थे, तब वो अमित शाह जी ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था। और इतना झूठ बोलते हैं कि चुनाव जीतने के लिए हर बात झूठा। उन्होंने कहा 15 लाख मैं काला धन बाहर से लाकर तुम्हारे जेब में डालूंगा। मिला आपको 15 लाख? नहीं मिला। देखो, या तो मोदी झूठ बोल रहे या आप लोग लेकर झूठ बोल रहे। कौन झूठ बोल रहे? हा नहीं, अरे वो तो हमेशा बोलते हैं, एक कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं, वो देता हूं, ये देता हूं, महिला के लिए हम ये दे रहे हैं, नरेगा किए, फूड सिक्योरिटी किए, ऐसी बातें वो बोल, नहीं दिए ये? नहीं। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियां
हमारे पास कोई बेकार नहीं होगा झारखंड में। हर साल 2 करोड़ बोले, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलने चाहिए थी। मिले आपको? मोदी जी ने नहीं दिया, नहीं दिया। फिर पूछो भाई, जो ये झंडा लेके आते गेरुआ झंडा, क्या बोलते उसको, वो भगवा झंडा लेके आते, मोदी की तारीफ करते, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते, 36 इंच की छाती, बहुत तारीफ होती है, लेकिन आपको 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिले, 15 लाख भी नहीं मिले। और किसानों के लिए मैं डबल आमदनी करूंगा, MSP 2 पट करूंगा। हुआ 2 पट आपका MSP किसानों का? नहीं हुआ, वो भी झूठ है। अरे ये झूठ पे झूठ बोलने वाले को फिर आप वोट कैसे दे रहे हो? किसी को जनता का आशीर्वाद मिलता है वो जरूर जीतता है, लेकिन चंद लोग ये भूल जाते हैं कि जो आज रिजर्वेशन मिला, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, और संविधान के तहत जिस चीज को हक मिले हैं उसका श्रेय अगर किसी को जाता है, इस देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों ने हम सबको कुछ ना कुछ आजादी के बाद दिए हैं। उसी जोर पर आज हमारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और उद्योग में वो जा रहे हैं, और जो आजादी के पहले हमारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, 4-5% भी लोग दलितों में पढ़े लिखे नहीं रहते थे, बैकवर्ड में नहीं रहते थे, आदिवासियों में नहीं रहते थे, यहां तक भी माइनॉरिटी के लोग भी बहुत पिछड़े हैं। और उसी के साथ साथ हमारे किसान भाई भी उसी तरह आज भी है। आज किसी को कुछ मिला है तो कांग्रेस पार्टी अपने जद्दोजहद के साथ लड़कर सबको कुछ सहूलत दिलाई है।